तो ये भाई प्रेशर हॉर्न जा रहे हैं गाड़ी में लगवाने के लिए। तो फिलहाल लगाया जा रहा है व्हील कैप पे पट्टी, काफी बेहतरीन लगने वाला है भाई ये लग जाएगा। तो ये वाला पट्टी यहाँ पे लगवा रहे हैं ऊपर ताकि कुछ अलग हटके लगे। पीछे झूमर हमने लगवाया था ब्लैक कलर का, छोटा भाई को पसंद नहीं आया, इसी वजह से ये वाला लगवाने जा रहे हैं। थोड़ा सा कलरफुल रहेगा पीछे ना। फाइनली भाई हम लोगों ने ये वाला पसंद किया है, ये देखिए कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसा लगेगा और हॉर्न ऐसा रहेगा अपनी गाड़ी में ना, हॉर्न जब मारेंगे हम अपनी गाड़ी का तो सामने का जो गाड़ी रहेगा उड़ जाएगा। तो ये चेक कर रहा भाई कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में भाई। दोपहर का टाइम है और अभी ये फिलहाल अपने काशी को लेकर निकलने वाले हैं, बहुत सारा काम है काशी का। तो चलिए पहले बताते हैं, यहाँ पे झूमर अगर लगवाया था ना मैंने वो एक्चुअली टूट गया, गाड़ी चलता है भाई 80 की स्पीड में रात को सब्जी लोडिंग करके, तो ये टूट गया था और यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का दाग भी आ चुका है। तो उसका जो कटोरा टाइप का होता है ना उसको भी निकाल के फेंक देना पड़ेगा। अभी जा रहे न्यू लगाने के लिए और एंड आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी है वो भी आप लोगों को देंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करते हैं, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये अपने फैमिली में गिफ्ट करने वाले हैं, जो हमको मिलेगा बंदा सब्सक्राइबर उसको हम गिफ्ट कर देंगे रास्ते में कहीं पे भी। लेकिन भाई गाड़ी होना चाहिए उसके पास, पिकअप हो चाहे इंट्रा हो कुछ भी हो होना चाहिए तभी हम उसको गिफ्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं पहला, ये एक्चुअली इसको निकालने का मकसद यही है। देखो रात को जब गाड़ी चलाते हैं ना तो ये जो है ना ये वाला, इसके वजह से हमें दिखता नहीं कि इंजन कितना ज्यादा हीट हो रहा है, हमारा तेल कितना है, कितने की स्पीड में गाड़ी चल रहा है, ये प्रॉब्लम पहला। और ये देखो ये तो हम सोच रहे हैं एक तो आपको गिफ्ट करना ही, क्यों ना इसको भी गिफ्ट कर देते, ये भी मेरा न्यू कट जाता। तो इसको भी निकाल के अभी रख ही लेते हैं ये वाला कवर। तो ये दोनों ही अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों को गिफ्ट करने वाले हैं, निकाल लेते हैं। वाह ये देखो निकल गया, तो ये काफी अच्छा लगता है, ये तो अपना फेवरेट था। लेकिन अभी क्या है कि स्टीयरिंग खाली हो चुका है, अभी न्यू लगाएंगे और न्यू लुक का लगाएंगे ताकि आप लोगों को भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए फटाफट निकलते हैं काशी को लेके पहले, और ये आप दोनों आप लोगों को मिलने वाला, देखते हैं आप लोगों में से किसको किसको मिलता है। अगर किसी को चाहिए तो कॉमेंट कर देना, आसनसोल रोड पे आएंगे तो आप लोगों को दे देंगे भाई, ठीक है। फिलहाल भाई जबरदस्त वाला लग चुका है जाम, अभी लगता है कि भाई गाड़ियों यहाँ से घुमाना पड़ेगा हम लोगों को। देखो ए, ए, लग रहा है कि खत्म हो गया है, देखो खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है, सब कोई गाड़ी घुमा रहा है, घुमा लेते भाई से आयो। क्या भैया जाओ बस काट लो। चलिए भाई ये पूरा आउटर एरिया है जिधर से हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए नील गाय जो कि देखने को नहीं मिलता है भाई, ये देखो एक आगे यहाँ पे भी यहाँ भाई कितना प्यारा लग रहा है ना ये, बहुत सारा है, बहुत सारा है। उसके बच्चे भी है ये देखो पूरा अच्छा बड़ा बड़ा जो हिरन होता है ना विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है क्योंकि जंगल में हम लोग रहते रहने के लिए आ जा रहे हैं। हाँ। तो किसान जो है खेत बचाने के लिए उनको मार देते हैं, कई ठो है किसान लोग खेत बचाने मार देते हैं। अब इसमें किसान का भी हम गलती नहीं देंगे, पता है क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो कभी कभी खेत में घुस के लोग खेत को खराब कर देते हैं भाई। बात किसान की नहीं, बात है कि इंसान की गलती है, वही बात है। जंगल में जाकर रह भी रहे और मार भी रहे तो पछाड़े तो जानवर हो रहे ना भाई, वही बात है ना भाई। तो ये नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड, इसी के ऊपर भाई हमें चढ़ना है। आज भी इधर भी जाम है यार, इधर भी जाम है, पता नहीं क्या है भाई आज पूरा देखो जाम लगा हुआ है। हमें अभी इस रोड से ऊपर चढ़ना है पूरा। ये भाई हाईवे आ गया, हाईवे आ गया। पता नहीं आज यार कौन सा चक्कर हो गया, इतना जबरदस्त जाम लगा। ये देखो ओ भाई कच्चा माल की गाड़ी फंस गई, कच्चा माल ये देखो ये जा रहा है, ये बंगाल भाई साहब पूरा जाम लगा यार। भाई हमको आज डर लग रहा है यार, बहुत बुरा हम डर गए हैं, आप लोग जाम देख सकते हैं, पता नहीं इतना भयंकर जाम कैसे लग गया आज यार। ये देखो भाई बहुत बुरा डर लग रहा है यार,
अपने लोकेशन पे। ये पुराना अड्डा है, यहाँ पे भाई सब कुछ मिलेगा, वहीं से लगवाने वाले हैं झालर से लेकर हर एक चीज। गाड़ी को और साइड दबा ले भाई, चलो लगा दिए गाड़ी को। तो फिलहाल हम लोग का स्टीयरिंग कवर न्यू वाला निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, ये देखो इससे छोटा है। हाँ देखिए दिखाइए, भाई हम लोगों ने ये वाला पसंद किया है, ये देखिए कैसा लग रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। हालांकि ये तो भाई आप लोगों के लिए मैंने रख दिया है, ये आप लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, आप लोगों की गाड़ी में भी लगवाना हो तो फिर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये वाला डिसाइड किया, ये लगवाएंगे काट के छोटा होगा ये, तो फिलहाल इसको थोड़ा छोटा किया जा रहा है काट के। नहीं ऐसे मत पकड़ो, जैसे पकड़े तो ऐसे ही पकड़ो। हाँ तो फाइनली भाई न्यू स्टीयरिंग कवर लगा दिया मैंने अपने गाड़ी में, कैसा लग रहा है एक बार ये लुक भाई कमेंट करके आप लोग बताइए। एंड अभी फिलहाल इसको कट किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि हमको अच्छे से रात का दिख सके मीटर वगैरह की गाड़ी कैसा चल रहा है। लेकिन भाई ये लगाने के बाद ना गाड़ी का लुक काफी चेंज हो चुका है, ये देख रहे हो कितना मस्त स्टीयरिंग कवर लग चुका है। अभी जा रहे हैं झूमर खरीदने के लिए, देखिए भैया बांधेंगे मस्त। फाइनली पीछे भी झूमर लग चुका है, कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। पीछे का दोनों ब्लैक ब्लैक हो चुका है, इधर भी लगवाई लेते हैं। तो फिलहाल छोटा वाला भाई आगे भी सेट करवा रहा है। पीछे झूमर हमने लगवाया था ब्लैक कलर का, छोटा भाई को पसंद नहीं आया, इसी वजह से ये वाला लगवाने जा रहे हैं। थोड़ा सा कलरफुल रहेगा पीछे ना, थोड़ा देखने भी अच्छा लगेगा। तो चलिए भाई लगा दीजिए। हाँ ये सही बोल लो, चारों ब्लैक हो जाएगा तो अजीब लग रहा है। ये थोड़ा सा भाई यूनिक कलर लग रहा है ना पीछे का, ये देखो भाई। थोड़ा सा गाड़ी में रेडियम का भी काम करवाने के लिए सोच रहे थे काफी दिनों से, तो ये जो है ना ये यहाँ पे हल्का सा रेडियम का पट्टी मरवा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। लेकिन बहुत ज्यादा गाड़ी में रेडियम का काम नहीं करवाना मुझे पसंद है, और आप लोग भी ज्यादा ना रेडियम का गाड़ी में काम मत करवाया करिए। इससे क्या होता है कि बॉडी खराब हो जाता है यार, जब उखड़ने लगता है ना तो बहुत भद्दा दिखता है। इसी वजह से ऐसे जगह पे करवाइए, अगर कुछ आपका छूटने भी लगे तो खराब ना हो। देखिए हम यहाँ पे लगवा रहे हैं ये वाला पट्टी, यहाँ पे लगवा रहे हैं ऊपर, ताकि कुछ अलग हटके लगे, कुछ अलग लुक लगे गाड़ी का। देख रहे हो काफ़ी अलग चेंजिंग लग रहा है गाड़ी में ऊपर लगाने के बाद में, देखो। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है सामने का ये वाला लुक, ये देखो। हाथ चला लिया। अरे हटका उनके जाए थे बा। भाई ऊपर पूरा पट्टी का काम हो चुका है कंप्लीट। अभी ये जो ब्लैक और रेड में जो पट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पट्टी अपने व्हील कैप में भी सेम सेम लगाने जा रहे हैं, ताकि इधर का कलर और इधर का कलर थोड़ा मैच करेगा, देखने में और खूबसूरत लगेगा भाई। थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा इधर ही दबा के बढ़ाओ, इधर ही दबा के, और थोड़ा सा और जाओ और जाओ, बस बस करो। तो फिलहाल लगाया जा रहा है व्हील कैप पे पट्टी, काफी बेहतरीन लगने वाला है भाई ये लग जाएगा तो। फाइनली दोनों चक्का में कंप्लीट हो चुका है, उधर का भी कंप्लीट हो गया और इधर में भी कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें भी लगवाने वाला है, इस पे ये जो कसने वाला है इस पे भी लगवा देंगे ना, तो और बेहतरीन लगेगा देखने में गाड़ी। और भाई हमें ना ये पट्टी चेंज करना है, ठीक है? तो भैया से बात हो रहा है, भैया कितने का देंगे, क्या देंगे भैया से? भैया कितने का है ये वाला? 100 रुपये फीट है, ये वाला 50 है।
ये 20 रुपया, ये 50 रुपया, ये 100 रुपया। अच्छा तो ये पूरा उखाड़ना है, ठीक है, ये भी उखाड़ना है, ये भी उखाड़ना है। देखो ये पूरा पहले से उखड़ गया है, ये देखो खत्म। फिलहाल रेडियम लगाना है ये वाला, देख सकते हैं ये भाई बंगाल में बहुत दिक्कत होता है, इसको अगर नहीं लगाए जाएंगे तो गाड़ी पकड़ लेते हैं सब। तो इसी वजह से ये जो बढ़िया वाला हम लगवा रहे हैं, इस पर उखड़ जा रहा था बार बार। भाई अभी साफ कर रहा है पानी अगर डाल के, अपने गाड़ी का काम और हम चले हैं देखने के लिए कि हमारे गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो भैया निकाल रहे हैं प्रेशर हॉर्न। भैया कितने का आता है ये वाला? 3000 का। गारंटी का कुछ होता है इसका? फुल गारंटी है। फुल गारंटी भी होता है, चलिए बढ़िया है। तो फिलहाल देख रहे हैं भाई, अगर कोई पिकअप में प्रेशर हॉर्न लगवाया इसके पहले तो एक बार यार कॉमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ओ भाई साहब ये तो पूरा यार पूरा माइक के जैसा लग रहा है यार, ये देखो कितना है भी। अच्छा कितना है, 6 है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6। तो भैया ये बड़ी बड़ी ट्रक में लगता है ना? 3000 का बता रहे हैं आप? अच्छा ये क्या चीज़ का होता है? स्टील का होता है? स्टील का। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ओ भाई भारी भी है यार, हम सोचे हल्का होगा यार। ये देखो ये भाई प्रेशर हॉर्न ये लगवाने वाले अपने पिकअप में। अगर आप लोग का कॉमेंट आता है कि भाई लगवा लीजिए, एंड लगवाने का बात नहीं यार, हम ये सोच रहे प्रेशर कैसे बनाएगा, प्रेशर ऑन का मतलब प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर कैसे बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर कोई लगवा रखा है तो कमेंट करके बताइए, तभी हमको हिम्मत मिलेगा और सोचेंगे कि लगवाना है या नहीं लगवाना है। ये देखो ये भैया का दुकान, नारायणपुर में भैया का दुकान है, मस्त। तो ये भाई प्रेशर हॉर्न जा रहे हैं गाड़ी में लगवाने के लिए। ये देखो भाई ये है प्रेशर हॉर्न का लुक। तो हम अभी इसको यहाँ पे लगवाने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे लगेगा। और हॉर्न ऐसा रहेगा अपने गाड़ी में ना, हॉर्न जब मारेंगे हम अपने गाड़ी का तो सामने का जो गाड़ी रहेगा उड़ जाएगा अपने आप। भाई इतना प्रेशर है। तो जब मरेगा आगे सामने से गाड़ी गायब, हमको रास्ता मिल जाएगा, सब्जी में चल रहा है। अब कोई लगवाया है या नहीं लगवाया कमेंट करके आप लोग बताइए, किसी के पास पिकअप में कोई लगवाया है या फिर नहीं। बहुत ज़बरदस्त वाला चलान है, लगवाना ही मत भूल के भाई। पता चला इसके पास चलते 50,000 का चलान कट गया। ये देखो लेकिन हॉर्न यार पूरा ट्रेन वाला लुक लग रहा है, नहीं मस्त लग रहा भाई। तो फाइनली लगाया जा रहा है 3M का। सब कारीगरी भी कुछ चीज होता है, तो ये देख सकते हैं। ये देखो भाई इसके पहले बहुत बार यहाँ पे चपकवाया मैंने, लेकिन इस तरीके जिस तरीके से भैया आप इसको लगा रहे हैं, इस तरीके से किसी ने नहीं लगाया था भाई। ये देखो यहाँ पे पूरा कवर हो चुका है और ये लाइट भी कवर हो चुका है, लेकिन जब लगेगा ना तो ये लाइट यहाँ से काट दिया गया निकल जाएगा। तो ये चेक कर रहा भाई कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो पूरा ये कवर हो चुका है, ये देखो पूरा काम अपना गाड़ी का हो चुका है। ओके जो भी काम कराना था सब हो गया है। तो ये देखिए ये भी न्यू लगा लिया, कैसा लग रहा है ये तो कमेंट आप लोग करके बताना, ठीक है भाई। चलते हैं गाड़ी घुमाते हैं, चलते हैं आगे। अब भाई साहब वाराणसी पहुंचते शाम हो गया यार, ये देखो इतना ज्यादा भाई रोड पे जाम था ना, इतना ज्यादा जाम था, पूरा हालत खराब हो गया आपके भाई का।
पता नहीं क्यों जाम था भाई। फाइनली आ चुके अपने कॉलोनी में। ये देखो लाइट, एक जल रहा है एक नहीं जल रहा, अभी जलाया है ना, तो ये जो लाइट है ना फॉग लाइट, ये देखो ये एक जल रहा है एक नहीं जल रहा, उस तरफ का देख रहे होंगे, पता नहीं वो तार अगर कहीं से निकल गया होगा तो रात को इसको सेट करेंगे आज। ये देखो बंद कर दो गेट अगर खड़ा करने के बाद। छोटा वाला भाई को खाने का मन कर गया मोमोज, तो यहाँ पे आए हमारे नेपाल के भाई लोग हैं, काफ़ी अच्छा मस्त वाला मोमोज बनाते हैं, तो खाने के लिए आ गए यहाँ पे। तो पहले मोमोज वगैरह खाते हैं क्योंकि एक प्लेट पहले ही खा लिया, ठीक है, अभी फिर फ्राई वाला कर खाने का मन कर गया, तो फ्राई वाला अपना हो चुका है, तो चलिए फिर मोमोज खा के। फाइनली रात हो चुका है और आ चुके अपने गाड़ी के पास में। छोटा वाला भाई अभी देख रहा है कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, क्योंकि एक जल रहा है और एक नहीं जल रहा है, और ये फोन से शूट भी हो रहा है, कैमरा में चार्ज ही नहीं था भाई। क्या लेने गए हो? तो फिलहाल भाई ये वाला जो लाइट है ना, इसका बल्ब खराब हो चुका है, तो इसका पुराना वाला बल्ब निकाल के इस पर लगाने जा रहे हैं। क्या तो लग जाएगा? देखो सिस्टम तो एक ही लग रहा है। ये पूछा लग जाएगा कि नहीं। तो फाइनली भाई दोनों लाइट अपना फिर से सही हो चुका है, मतलब एक खराब था तो एक भाई ने कैसे कैसे करके हो चुका है, लेकिन इसका बल्ब खराब हो गया था, तो चलिए कोई नहीं बन चुका है। बता दे कल हमें बुकिंग में भी जाना है, अपना बुकिंग वगैरह भी कंफर्म हो चुका है, आज ही जाना था लेकिन आज निकले नहीं हम।